नूरपुर के गांव बुहावर हल्लू में एक गरीब परिवार घर की छत पर पन्नी डालकर रहने को मजबूर। महिला ने लगाया ग्राम प्रधान पर मकान बनवाने के नाम पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। उधर ग्राम प्रधान ने 5,000 रुपए उधार के तौर पर लेने से महिला से कही बात। पीड़ित महिला ने लगाई मदद की गुहार लगाई, जिसके चलते खंड विकास अधिकारी नूरपुर ने जाँच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही। ब्लॉक नूरपुर के गाँव बुहावर हल्लू का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र बाला है, मैं गुहावर हल्लू के रहने वाली हूँ। क्या मामला हुआ, आपकी छत कैसे गिरी है? मेरी छत बारिश में गिरी है। कब गिरी है? ये बारिश में परसों गिरी थी। आपने किसी से शिकायत की? मैंने शिकायत तो नहीं की, लेकिन प्रधान को मैंने कहा कई बार, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मकान बन जाएगा। जब प्रधान बने तभी उन्होंने मुझसे पैसे ले लेते कि मकान बन जाएगा अगले महीने ही। कितने पैसे लिए? 5,000। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हमने उनसे कहा, तभी टालते टालते 2 साल हो गए, लेकिन उन्होंने हमारा मकान नहीं बनवा के दिया, ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। आज भी मेरा बीमार है और बड़ा लड़का भी मेरा गूंगा है और विकलांग है, इसकी दवाई चलती रहती है। बताओ मैं कहाँ से करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे पढ़ने जाते हैं और वे इसके पापा हैं वे बीमार हैं और काम करने के लायक नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं तो वे बीमार पड़ जाते हैं, और मैं घर सब बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों को छत मिल जानी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। आपने किसी अधिकारी से इस संबंध में शिकायत की कि मेरा मकान नहीं? नहीं, मैंने और किसी से नहीं कहा। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए छत हो जाए। ठीक। का धर्म सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? बावरल्लू। प्रधान जी, आप पे एक महिला ने आरोप लगाया है कि मकान बनाने के नाम पे आपने 5,000 रुपए लिए हैं, ये कहाँ तक सच है? ये वो गलत है, 5,000 रुपए थे इनका, हम पे उधार लेते हमने, वो हम वापस कर दिए, हमने कोई दिक्कत नहीं। तो ये आरोप सही नहीं है? हाँ, सही ना। सर, क्या नाम है आपका, किस पद पर तैनात? मैं राजवीर सिंह, खंड विकास अधिकारी नूरपुर के पद पर तैनात हूँ। ग्राम पंचायत गुहावर हल्लू में सुरेंद्र बाला नाम की एक महिला ने जो है प्रधान पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है, इसमें आपका क्या कहना है? यह जानकारी अभी मेरे सामने आई है, मैं इसकी जाँच कराऊंगा और जो भी नियमानुसार कार्यवाही उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि ये सत्य पाया जाता है कि वास्तव में प्रधान जी ने पैसे लिए हैं, तो उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा और कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में जब हमारे द्वारा ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने 5,000 रुपए महिला से उधार लेने की बात कही है, क्या जो एक गरीब महिला है जिसके सर पे छत भी नहीं है, क्या वो उधार 5,000 रुपए ग्राम प्रधान को दे सकती है? नहीं, गरीब महिला तो 5,000 उधार क्या देगी, लेकिन ये जाँच का विषय है, जाँच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके बाद ही कुछ कह पाना स्पष्ट होगा। थैंक यू।